कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था। सीन यह है कि मिश्कात और की कॉल आई और उन्होंने कहा कि मुस्तफा भाई आज नात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और मुस्तफा भाई ने व्लॉगिंग छोड़ दी है। उन्होंने कहा है आप लोग संभाल ले, मेरा मोबाइल भी आप लोग ले ले, असिस्टेंट रख लिया हम लोग, असिस्टेंट रख लिया हम इनके ब्लॉग। उन्होंने बोला मेरा चैनल ही आप लोग ले लो भाई। अच्छा, दे दिया चैनल, दे दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, पेमेंट वेमेंट रोकड़ा वोकड़ा सब सब उन्होंने बोला मोनेटाइजेशन आप लोग का हुआ। बेगम ले आई है ये कॉइन, 5 रुपए का सिक्का, क्या कहते हैं आप लोग, बेगम जीतेंगी या मैं जीतूंगा? ये देखें भाई कराची की सड़कें आधी रात को। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से ठीक ठाक? आप लोग ये सोचोगे कि वही कपड़ों के अंदर वो भी आधी रात को ये बंदा कर के आ रहा है नया व्लॉग स्टार्ट करके। तो सीन ये है कि मिश्कात और की कॉल आई और उन्होंने कहा कि मुस्तफा भाई आज नात की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रबीउल अव्वल के लिए कलाम रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसमें हम सब जो है मिलकर नात पढ़ेंगे। मैंने बोला यार आइडिया तो बहुत अच्छा है और हम तो मतलब हर व्लॉग के अंदर ही जो है वो चलते फिरते नात पढ़ रहे होते हैं, तो यार बिल्कुल करते हैं। मैंने बोला कल का नहीं हो सकता क्योंकि आज यार बहुत तबीयत इजाजत नहीं दे रही है। तो उसने बोला कि यार आज का कर लें कुछ कर लें। तो मैंने बोला चलें भाई कर लेते हैं, आ रहा हूं मैं आपके पास। ठीक, अब मैं जा रहा हूं, सही है। और ये देख लें आप, सन्नाटा चेक कर लें, सन्नाटा सही है ना। अब हम जा रहे हैं इंशाल्लाह और कौन सा कलाम है उसकी भी झलकें आपको कुछ दिखाते हैं चल के। सीन ये है कि अभी हम एक नात बना रहे हैं बहुत ही टाइट वाली, इसलिए हम लोग सारे जमा हैं। उस नात में मैं भी, इबाद भाई भी, मुस्तफा भाई, सब एक ही नात में होंगे। तो बहुत ही लेवल का सीन अभी हो रहा है, अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है, गाने बनाते हैं, हम नाच बना रहे हैं। क्या बात है, मतलब ये शरीफ यूट्यूबर थे सारे ये वाले, जो है ये कैटेगरी। मुस्तफा भाई का अक्सर व्लॉग में नाच बात हो रही है, आपकी कोलैबोरेशन कर रहे हैं हम, नाच की कोलैबोरेशन। माशाल्लाह क्या बात है, अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है बहुत टाइट वाली। देखो भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, अंदर रिकॉर्डिंग फुल माशाल्लाह। मैंने कहा यूट्यूबर जो है ना गानों पे कोलैब करते हैं, माशाल्लाह हम लोग शरीफ यूट्यूबर थे। आज मैंने लोगों को बता दिया जो आपने काफी अर्से से छुपा के रखा, रखा क्या? आपने दूसरी शादी की भी है। हाँ। क्या बात कर रहे हो, कसम से मैंने तो लोगों को बीवी भी दिखा दी भाई, अभी अभी कसम से दिखा दी। उसका साइड मिरर भी चोरी हो गया था अभी। मैंने कहा जब से आया आप ये बोले जा रहे हैं यार मेरी गाड़ी को कुछ ना हो जाए, मतलब ऐसा लग रहा है आपकी बल्कि पहली बीवी लग रही है भाई आपकी। वाकई भाई इतना ही कराची के अंदर रहते हुए जो ना इतना ही ख्याल करना पड़ता है। सही बात है। चले भाई माशाल्लाह नात रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। कोई आप जैसा है न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल न मिली, मोहम्मद फख्र आलम बादशाह इंसो जा, वग़फिर लना मामदाया वसी अल-करमी। सुबह के 5 बज रहे हैं ये देख लें और अभी मैं रिकॉर्डिंग से फारिग हुआ हूँ, सही है, और अभी मैं निकला हूँ। वैसे इट्स नॉट सेफ कि आप इस टाइम पे निकलें क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा है हर जगह, और अब मैं बस जाऊँगा फजर की नमाज पढ़ूंगा, इसके बाद सोऊंगा, फिर आज के ब्लॉग को हम कंटिन्यू करेंगे। सही है भाई ये सिलसिला है, लेकिन ये कराची की सड़कों पे जो है ना इस तरह रात के टाइम पे घूमना जो है ना सेफ नहीं है। खैर मिश्कात और इबाद जो है वो अभी जो है वो सुबह ही जाएंगे क्योंकि उनकी रिकॉर्डिंग तो अभी स्टार्ट हुई है, मेरी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। वैसे कराची की सड़कों पे आधी रात को निकलना भी जो है ना कोई एडवेंचर से कम नहीं है। आधी रात को सड़कों पे निकलने से मेरे जहन में एक चैलेंज आया है और वो हम करेंगे। मस्जिद में तरावी पढ़ता हूँ ना, उसी मस्जिद में आज फजर पढ़ते हैं। सुबह हो गई भाई, सुबह हो गई और ये सामने मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। चलें भाई चलते हैं अब। ये देखें भाई सुबह सुबह बिल्कुल सन्नाटा, खाली रोड पड़ा हुआ है यार, कोई भी नहीं भाई। क्या मौसम हो रहा है, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बोलो अप्पा। अप्पा अप्पा भाई सुबह के इस वक्त 10:15 बज रहे हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर पे आया हूँ क्योंकि मैं एक दो काम अपने निपटाने चला गया था। अब मैं जल्दी से शावर लेके तैयार हो रहा हूँ आज के व्लॉग के लिए क्योंकि मिश्कात और अभी नाद रिकॉर्ड करा के फारिग हुए, सही है। तो मैंने इनको बोला कि चलो भाई कहीं नाश्ता वाश्ता करने के लिए आप लोगों को लेके चलते हैं, आप लोग आए हुए हैं हमारे घर के पास तो हम नाश्ते पे चलते हैं। तो वो लोग पहुंच रहे हैं इतनी देर में, बस मैं जल्दी से शावर लेता हूं और फटाफट तैयार होता हूं। मैं रेडी हो गया हूं, ये लोग नीचे पहुंच गए, हम लोग चलते हैं नाश्ते के। और ये दोनों हजरत यहाँ पे बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? खैरियत से ठीक ठाक हो गई आप दोनों की रिकॉर्डिंग हो गई? जी जी माशाल्लाह बेहतरीन हो गई, माशाल्लाह ऐसे लग रहा है फ्रिज के अंदर हाथ डाल दिया, माशाल्लाह क्या बात है। आ जाए फिर गाड़ी यहीं पे पार्क कर दें।
खुले नहीं है पैसे। चले फिर मैं जाऊं। हम आ गए हैं अब बोर्ड बेसिन पे नाश्ता करने के लिए। सही है, बादराबाद पे हम लोग अक्सर करते रहते हैं, लेकिन मैंने बोला कि चलें लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। क्या कहते हैं भाई? बिल्कुल सही है ना। और देखिए नींद में इबाद भाई तो बाकायदा नजर आ रहा है कि आंखें बंद हो रही, झटके खा रहे हैं। कोई मसला नहीं, कैमरा अगर मुंह पे आ जाता है ना एनर्जी आ जाती। हाँ भाई, क्या है नाश्ते में? चिकन चीज पराठा। नाश्ता कितने बजे तक चलता है यहाँ पे बोर्ड बेसिन पे? 2 बजे तक चलता है, मतलब खाने के टाइम तक नाश्ता चलता है। वाह भाई वाह, क्या बात। जी भाई, क्या खाएंगे आप लोग ये बताएं? नाश्ता करेंगे भाई, नाश्ता ले आओ। ये देखें हलवा है नहीं इतना, इसको दबा दबा के जो है ना पूरा प्लेट के अंदर फैला दिया है। स्कीम है कि भाई लगे आपको कि जो है ना वाकई यार हलवा है। ठीक है, और ये पूरियां जो है ना बिल्कुल सफेद सफेद पूरियां। चले भाई, अभी जो है ना एक और आइटम ऐड हो रहा है इसके अंदर, चिकन चीज पराठा आ रहा है। ये भाई नाश्ता आ गया है, सही है, और इसका असल इंतजार हो रहा था, ये चिकन चीज पराठा है। ये देखे भाई लोडेड है, इसके अंदर आप देख रहे हैं ना फुल जो है ना ये सेटअप लोड हुआ है। डाइट वाला है, स्पेशल चीज डाली है ताकि डाइट हो सके ना, ताकि सही है। ये सिक्स पैक वगैरह के लिए जो है ना बहुत फायदेमंद है। गर्म बहुत है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हॉट है, ये जरा ठंडा होगा फिर हम खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए भाई, खाना नसीब हुआ हमको। ये सबसे पहला निवाला जो है ना हलवे के साथ, बेहतरीन है भाई, मजेदार है। आपने निपटा दिया चीज पराठा, कैसा है? बिस्मिल्लाह से किया मैंने। अच्छा, इसी से किया माशाल्लाह। अच्छा है, अच्छा है ना जी। मिश्काल भाई क्या कहते हैं, मजा आ गया, किसी और दुनिया में चले गए आप? अल्लाह का शुक्र, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मजे का है। और इसमें जो अंदर, अच्छा ये कॉम्बिनेशन चेक करें, हलवे के साथ देख रहे हैं आप चिकन चीज पराठा। वाह भाई वाह, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। क्या बात है भाई, अब जो है ना ठंडा हो गया, अब आपका भाई ट्राई करेगा इसको। सही है, चिकन चीज पराठा, चीज तो देखें इसके अंदर जो है ना नजर आ रहा बाकायदा। अच्छा है और बहुत हैवी है ना, इतना ज्यादा लोडेड है कि बहुत हैवी है, एक पराठा एक बंदा खा भी नहीं सकता। चले भाई नाश्ता वाश्ता कर लिया है, अब तीनों ही नींद में है, पूरी रात के जागे हुए, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। भाई अब मैं घर पे आ गया हूँ, कल रात से बाहर ही बाहर हूँ, बाहर ही बाहर हूँ। घर वाले बोलेंगे घर पे आया क्यों, चला जा भाई बाहर ही और घूम गया, तो बस और घूम गया। लेकिन सीरियसली मेरा पता क्या दिल कर रहा है, अब मैं जाके सो जाऊँ थोड़ा सा। हालांकि मुझे मालूम है मैं सो नहीं सकूंगा, लेकिन फिर मुझे सोना है क्योंकि एसी खराब हुआ है। अभी भी मुझे याद आया कि एसी भी बनवाना है भाई, एसी भी बनवाना है। 3 रातों से गर्मी के अंदर गुजारा हो रहा है। क्यों रो रहे हो मोहम्मद अहमद? आ जाओ अपा पास, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ अपा पास, आ जाओ, आ जाओ मेरा बच्चा। ये देखें गर्मी में बनियान पहन के घूम रहे हैं, आ जाओ अपा पास, आ जाओ। और भाई घर पे आते के साथ ही मैंने देख लिया कि यहाँ से हमारा इंडोर यूनिट गायब है। इसका मतलब यह है कि हमारे आमिर भाई ने एसी वाले बंदे को भेज दिया था, और आज शाम तक इंशाल्लाह उम्मीद है कि एसी बन के आ जाएगा। चले भाई, एक चीज का तो सुकून हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाम के 6:15 हो रहे हैं भाई। सही है, मैंने एक नींद कर ली थी, दोपहर में मैं सो गया था क्योंकि ऐसी हालत हुई थी। आज लोग पूछ रहे थे कि भाई वीडियो क्यों लेट आई है, 5 बजे क्यों आई है, 5 बजे तो इतने दिनों में नहीं आई। तो इसका रीजन ये है कि मैं जो है वो मतलब जब मिश्कात और से फ्री होकर मैं घर पे गया तो मैं वीडियो एडिट करने लगा। अब जब मैं वीडियो एडिट करने लगा, लिटरली मेरे हाथ से मोबाइल बाकायदा नींद के झटके लगते थे और मोबाइल गिर जाता था। ठीक है, और इसके बाद मैं जैसे आंख खुलती थी बार बार तो मोबाइल मेरे बराबर में रखा होता, तो मैंने बोला यार ये तो टू मच हो गया, मतलब बहुत ज्यादा मतलब जो है ना स्ट्रेस हो जाता है समटाइम्स यार काम का, पूरी रात के जगह। मैंने बोला यार हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और चलते हैं और आज से इरादा कर लेते हैं कि भाई जान वॉक दोबारा से रिज्यूम करनी है, पार्क में जाएंगे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोगों को भी मैं लेके चल रहा हूं, और आप लोगों में से भी जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, गेट रेडी, हम लोग रोजाना एक्सरसाइज करेंगे, रोजाना वॉक करेंगे ताकि फिट रहे भाई, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है तो उसका ख्याल रखना चाहिए हमें। ठीक है, हाँ एक बात आप लोगों को और बता दूं, मैं आप लोगों को ये बता नहीं पाया, मतलब भूल गया था कि नात रिकॉर्ड करवाना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। इस तरह चलते फिरते तो हम लोग जो है ना पढ़ रहे होते हैं, सही है ठीक है, लेकिन जब आप स्टूडियो में पढ़ते हैं ना तो ओए होए भाई, बहुत सारी रिपीटिशन होती है, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है भाई, बड़ी मेहनत होती है यार इसके पीछे, इसके बाद निकल के आता है रिजल्ट सामने। पहुंच गए हम लोग भाई, आ गए हम पार्क, बहुत अरसे बाहर ही रहे, बच्चे जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कराटे वराटे सीख रहे हैं, सही है ना, और हम वॉक करेंगे अब से रोजाना इंशाल्लाह।
अब आपको भाई यहाँ पे प्लैंक लगाएगा, प्लैंक 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 बहुत जरूरी है। और भी कुछ एक्सरसाइज करेगा आपको भाई अब स्टार्ट यहाँ पे। और कितनी देर हम लगा सकते हैं, कितना स्टैमिना है, अब ये भी चेक करना है भाई। बॉडी को काफ़ी स्ट्रेच किया आज, ठीक है ना। और अब मैं निकल रहा हूँ मगरिब की नमाज के लिए। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, रिलैक्स, और ये रिलैक्स फील होना बहुत ज़रूरी है। दिल तो कर रहा है जेट स्पॉट, लेकिन नो जेट स्पॉट, नो जेट स्पॉट अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकेंगे करेंगे इस चीज़ों को। अननेसेसरी, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो आप गाड़ी के एसी को भी अवॉइड करना है। जिस वक्त गर्मी ना हो, शाम का टाइम हो, ठंडी हवा आने दो भाई, ठंडी हवा, ठंडी हवा। बस अब ये जो है ना, एक दो दिन का भूत ना चढ़ाओ बस मुझे ये दुआ कीजिएगा, मैं लगातार जो है ना ये सब कुछ कर सकूँ, एक्सरसाइज वगैरह। चलिए भाई अब नमाज पढ़ते हैं। सही है, आपका भाई घर पे जा रहा है 9:15 पे, ये देख ले भाई, बहुत अच्छा बच्चा बन गया हूँ मैं आज से। कौन खोलेगा दरवाजा? अभी उसको लेके गई हूँ। ये रात के टाइम पे कभी कभी भूख लग जाए ना हल्की फुल्की, और उसमें कुछ मिल जाए आपको, आहा हा, क्या मजा आता है। एक मूंग की दाल का पैकेट मुझे निकला और जो है ना मैं ये आराम से एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे आज मैं घर पे जल्दी भी आ गया। बेगम क्या मानती है, नहीं मानती आज मैं जल्दी आ गया घर पे? और कैसी हैं आप बताएं? फार्म हाउस का जो है ना प्रोग्राम, इतने टाइम से बेगम ने बोला कि यार फार्म हाउस चलते हैं, फार्म हाउस चलते हैं, फार्म हाउस चलते हैं, लेकिन नॉर्मली वीकेंड्स के ऊपर जो है ना टाइम ही नहीं मिलता। तो अब एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, शाबाश जाओ कॉइन लेके आओ, कोई जाओ जाओ कॉइन लेके आओ, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। हम कॉइन उछालेंगे, सही है, और अगर तुम जीत गई तो हम इस वीकेंड पर फार्म हाउस पर जाएंगे। सही है भाई, बेगम ले आई हैं ये कॉइन, 5 रुपये का सिक्का। अब इसके ऊपर जो है ना बेगम के वीकेंड का फैसला होने वाला है। बेगम तैयार हैं? तैयार है, पक्की बात है, पक्की बात। उछालें फिर, क्या चाहिए आपको बताएं, चांद सितारा या 5? चांद सितारा। ओके, मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा ये है, ओके, अगर ये आया तो हम फार्म हाउस जा रहे हैं, ओके, और अगर ये आया तो फार्म हाउस नहीं जा रहे, ओके। चलें, मैं क्या कहते हैं आप लोग, बेगम जीतेंगी या मैं जीतूंगा? क्योंकि आजकल मैं जीत रहा हूँ भाई, बहुत जीता हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये बेगम क्या लगता है, जीती हो या हारी हो? अल्लाह जाने। ये ओए जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई बेगम, जीत गई हैं, बेगम जीत गई हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे अपने सारे वीकेंड के जो प्रोग्राम्स हैं वो कैंसिल करने पड़ेंगे, और इसके बाद हमें जो है वो फार्म हाउस का जो है वो स्केड्यूल करना पड़ेगा सीन। अब फार्म हाउस भी देखना स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर सारा कुछ सीन करना पड़ेगा, और वीआईपी एक्सपीरियंस इंशाल्लाह फार्म हाउस का करेंगे। और चलो सही है यार, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है, वैसे ही बंदे को टाइम नहीं मिलता, इंसान प्लान करता रहता है, करता रहता है, कुछ नहीं होता। तो फार्म हाउस चलते हैं, आप लोगों को भी लेके चलते हैं, आप लोग भी तैयार रहिएगा इस वीकेंड। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोगों ने मेरे साथ चलना है फार्म हाउस। सही है, ओके बेगम, हैप्पी, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। तो स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाएंगे। सबसे ज्यादा फार्म हाउस का इंटरेस्टिंग सीन यही होता है कि स्विमिंग पूल के अंदर जो है ना बंदा एंजॉय करता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम एंड करते हैं। भाई के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, काफी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपका हाथ कैसा है, तो मेरा हाथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं फील कर रहा हूँ कि पहले से बेहतर है। जज़ाकअल्लाह आप लोगों के पूछने का। मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए, और मुझे वीडियो के कॉमेंट में भी लोगों ने पूछा। ये आप लोगों की मोहब्बत है, ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।